मॉर्निंग चंडीगढ़। तो जी आज है सैटरडे और डेट पता नहीं क्या है जी, डेट देख लेते चलो। आज है 29th of October और सुबह सुबह के 6 बजे हैं, अभी 6 बजे 5:59 हुए हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। दिल्ली का जाना है मुझे फरीदाबाद ऑफिशियल वर्क पे, और सुबह सुबह की मुझे 6:50 की लेनी है ट्रेन शताब्दी जो जाती है। तो बस सोचा 6 बजे 44 आया था रात को, 44 से ही निकला हूँ तो कि सुबह पहुँच चुके हैं जी सेक्टर 32 के पास, 32-33 से होते हुए निकल रहा हूँ। ये है जी चंडीगढ़ सुबह सुबह, क्या माहौल होता है चंडीगढ़ का, बिल्कुल शांत, लिमिटेड से गाड़ियाँ, लिमिटेड से बाइक्स। अगर डे टाइम में भी चंडीगढ़ की ट्रैफिक ऐसे ही होती तो क्या मज़ा आता, ऑफिस जाने का, घर आने का, खाली रोड आराम से चलो, नो ट्रैफिक, कोई ब्रेक नहीं, बस लाइट्स पे ब्रेक लगती थी बस। आप लोगों का क्या रिव्यू है अगर मतलब बोले तो, अगर ट्रैफिक ऐसे ही होता सिटीज में लाइफ क्या होती। आ गए जी हम इंडस्ट्रियल एरिया में, आई गेस यहाँ से 3-4 किलोमीटर रहा होगा मुझे रेलवे स्टेशन और टाइम हो गया 6:11। तो जी पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन की पार्किंग में, अभी बस जगह ढूंढ के गाड़ी लगा लें। 1:17 हो गए और हम पहुंच गए हैं जी पार्किंग में। चलो जी चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये है जी प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो कि अपनी ट्रेन जानी है, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 लग रहा है खाली। अरे भाई इस प्लेटफॉर्म में कुछ है भी या नहीं है, पूरा खाली पड़ा है रे। पहुंच गए थे दिल्ली, हम दिल्ली बस ऑफिस की गाड़ी में जा रहा हूँ साइड पे जाके देखते हैं फिर काम, फिर दोबारा वापस, बाकी दिखाते रहेंगे आपको। बड़ा कलरफुल सा कलर किया हुआ है। पहुंच गए जी फरीदाबाद, खा लीजिए छोले भटूरे, खा लिए चाय भी पी ली अच्छी मस्त थी। अभी चलते हैं गाड़ी में, चलते हैं प्रोजेक्ट पे, उसके बाद निकलेंगे शाम को वापस। तो जी अभी है अमृता हॉस्पिटल के बैक साइड में, यहाँ पे है काफ़ी कुछ खाने को, यहाँ पे ही खा लिए हमने परांठे अच्छे बनते हैं। अभी निकलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन से फिर दोबारा अपनी शाम की ट्रेन है 5:15 की और फिर चंडीगढ़ वापस। इस साइड से किस साइड से? अच्छा राइट साइड आएगा इंडिया गेट के, ये अच्छा इंडिया गेट इसी रूट पर आता है। हाँ वो राउंड अबाउट आ जाएगा इंडिया गेट का सामने। ये वाला राउंड अबाउट है सामने। इंडिया गेट वाला, अच्छा वो सामने है इंडिया गेट, वो दिख रहा है जो ऊपर उसके सामने ही है इंडिया गेट। मतलब नॉर्मल डेज में तो इतनी ट्रैफिक नहीं होती होगी यहाँ पे, उसके बाद मतलब जब घूमेंगे ना वो सामने वाली साइड सामने आ जाएगा। इंडिपेंडेंस डे एंड ऑल ये इस टाइम पे होता होगा ना, इस टाइम पे तो बस टूरिस्ट वगैरह जो घूम रहे हैं यहाँ पे, चलाने में भी दिक्कत होगी लोगों को। ये वाला अगले कट पे आएगा, अरे यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से नहीं दिखाई देगा। ये गेट वो है अभी लाइट के सामने आ जाएगा, ये गेट काफी बड़ा है। तो बड़ा है मेरा छोटा ही होगा, मैं आज तक नहीं गया कभी देखने, देख से मैंने नहीं देखा। मतलब इसका फ्रंट गेट कौन सा है फिर? फ्रंट गेट यही है। अच्छा ये गेट है, ये हमसे सीधा है वो इंडिया गेट। मैं सोच संसद भवन में टाइम कुछ भवन है काफी अच्छा, अच्छा उस तरफ संसद भवन है इधर है साथ में ये सब कुछ। मेरिडियन होटल दिल्ली
अब ये तो दिल्ली होगा ना, काफी बड़ा बनाया। ये जी कैनॉट प्लेस, ये भी काफी सड़क में प्लेस है, तभी थोड़ा साफ सुथरा है। प्लेस के साथ ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ता है, जो मतलब हम अभी लेफ्ट में आए हैं, तो मतलब हम इस तरफ से आ रहे हैं, हम सुबह उस तरफ सुख गए थे। ओके, ये कैनॉट प्लेस, यहाँ भी ये इस तरफ को हो गया कैनॉट प्लेस पूरा या खत्म हो गया? पूरा राउंड अबाउट पे कैनॉट प्लेस ही है। अच्छा, पूरा राउंड अबाउट है कैनॉट प्लेस, राउंड अबाउट है। अच्छा, पूरा चक्कर लगा लो कैनॉट प्लेस में, और इस तरफ आ गया रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली वाला। ऐसे बनाते रहते हैं अपने जी, रेलवे स्टेशन इस तरफ राइट साइड दिल्ली का जाम। आ गया रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली। जा रहे हैं चंडीगढ़, और आ गया है इवनिंग स्नैक्स खाने के लिए, जिसमें है गुड़ चना, भेलपुरी और चाय का सामान और पिस्ता क्लासिक और समथिंग कुछ ये है। तो जी वापस पहुंच गए हैं चंडीगढ़, और ये रही अपनी ट्रेन जिसमें आप आए अभी। आज अभी चलते हैं पार्किंग की तरफ और देखते हैं, गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। चुके हैं पार्किंग में, अब ढूंढते हैं अपनी गाड़ी। सुबह कहाँ लगाई थी? तो मोटा मोटा मैंने एक पेड़ के नीचे लगाई थी, वो रही अपनी नीलिमा, मिल गई। अरे रात को भी चिड़िया टिक 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 टिक, ये रही अपनी नीलिमा। ओए होए गाड़ी की हालत देखो, निकल रहे पार्किंग से गए हैं ट्रिब्यून चौक, और गाड़ी की हालत देखो, ये पूरी गाड़ी पंछी ने भर दी आज, घर जाके धोनी पड़ेगी कल, अगर वॉशिंग वाला आ गया तो हो जाएगी, नहीं तो। खिड़की के बाहर भी दिख ही रहा है सब कुछ, गंद मचा हुआ, पूरा आतंक मचा दिया। चलो जी हो गया जी 3-2-1, चले राउंड अबाउट टर्न किया, और टाइम देखो यहाँ पे 60s में चल रहा है, 70 था जब आया। आगे हैं जी 44, मिनी को पिक करना है, ये मिक्की आया सामान लेके, वो मिनी आ रही है पीछे जाऊँ। पड़े हैं जी वापस घर की तरफ, मिनी आ चुकी है गाड़ी के अंदर, और अब चलते हैं घर। अब जाके पता नहीं हिम्मत होगी ब्लॉग कंटिन्यू करने की नहीं, तो अभी बोलता हूँ गुड नाइट, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर।